मेरा नाम नदीम खान पर एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एन के फार्मेसी नॉलेज। जैसा कि दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में देखा था और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हमने एनाटॉमी के 10 स्कोप को जाना था, आज हम फिजियोलॉजी के 8 स्कोप को जानेंगे जिसमें स्कोप नंबर 1। तो दोस्तों बिना देर किए बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं हमारा एनाटॉमी का 1 स्कोप। जानते हैं हम अपने स्कोप्स ऑफ फिजियोलॉजी। तो दोस्तों फिजियोलॉजी के आज हमारे स्कोप स्टार्ट होंगे जिसमें हमारा स्कोप नंबर 1 जहां से शुरुआत होगी उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी को दोस्तों हिंदी में अगर बात करें तो तंत्रिका विज्ञान। दोस्तों न्यूरोलॉजी को तंत्रिका विज्ञान बोलेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूरोलॉजी तो हमारी तंत्रिका विज्ञान की डेफिनेशन को स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, अगर किसी दोस्त को किसी भाई बंधु को अगर नोट करना है तो कर सकता है। स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये हमारी डेफिनेशन हो गई, इसके बाद हम अभी आपको समझाएंगे कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस सिस्टम। आइए दोस्तों जानते हैं अपने न्यूरोलॉजी के हिंदी अनुवाद को। तंत्रिका कोशिका के कार्यात्मक गुणों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो स्कोप है हमारा न्यूरोलॉजी, जिसको हम तंत्रिका विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोशिका के कार्यात्मक गुणों का जो स्टडी करते हैं, जो तंत्रिका कोशिका के गुणों कार्यात्मक गुणों को हम स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा मेरा मेथड और आपको समझ में आ रहा होगा और मैंने अपना फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया है। दोस्तों आप चाहें तो नोट कर सकते हैं साथ साथ। दोस्तों हमारा जो सेकंड स्कोप है वो है एंडोक्रिनोलॉजी। इसको दोस्तों हम अंतःस्राविका एंडोक्रिनोलॉजी, दोस्तों इसको हम अंतःस्राविका नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। की डेफिनेशन होगी दोस्तों स्टडी ऑफ हार्मोन्स
how they control the body function. इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों ये होगी स्टडी ऑफ हार्मोन्स हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। आइए जानते हैं इसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे हिंदी समझना भी चाहते हैं, इसलिए हम आपको साथ के साथ हिंदी भी बताएंगे और इंग्लिश में तो बताएंगे, कंपलसरी हमारे बी फार्मा का जो सारा सिलेबस है वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो इसलिए हम आपको कोशिश करेंगे कि हिंदी भी बताते रहें। हार्मोन का अध्ययन और हार्मोन शरीर के कार्यों को कैसे नियंत्रित। दोस्तों हमारा फुल हिंदी में जो अनुवाद है हिंदी मीन्स वो आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम ऊपर का रेज कर देंगे के कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। इसका हार्मोन का अध्ययन और हार्मोन के कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, इसका अध्ययन ही एंडोक्रिनोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे दो स्कोर्स कंप्लीट हो गए, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले स्कोप नंबर 3rd और 4th के साथ। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियोस मिलते रहें, आप हमारे चैनल से अप टू डेट रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अपने मित्रों में शेयर कीजिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों अपना प्यार अपना मोटिवेटिव बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी के अगले स्कोप के साथ स्कोप नंबर 3rd और 4th में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।